नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में तमाम कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की तस्वीरें। राजभवन के नजदीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहित तमाम मंत्री मौजूद हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन की। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, मणिपुर के राज्य वजीर आला जनाब नीतीश कुमार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, नायब वजीर आला जनाब सुशील कुमार मोदी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय, तो आपने देखा आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर राजभवन स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे तमाम नेता। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद थे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे। उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, माल्यार्पित किया और उन्हें याद किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी हैं और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस दौरान जो चरखा चलाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, आप देखिए महिलाएं किस तरह चरखा चला रही हैं। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाएं चरखा चला रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के दौर में चरखा चलाने की परंपरा थी, ये हमारी पहचान थी, जिन्हें आज एक बार फिर से याद किया जा रहा है। देश भर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को लेकर जश्न का माहौल है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बन रहे हैं हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।